Good morning, student. I am Bhavna from Pride India Center. So today we will be doing the same chapter, the linear equation in two variables. In previous class we had discussed what is linear equation in two variables, how you get the solution of that and how you represent it on a graph. But before moving further, because this whole chapter contains this only, so first just I will go in a little from starting and discuss once again like how to get the solution of that, then we will discuss something related to the graph. Okay, suppose we have an equation, suppose you have an equation 3x plus 2y is equal to 5. Okay, you have this equation. Now as I told you how to make a graph of this, first you know if it is x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2, and how you will represent this on a graph, x is equal to 2, you can represent this. But in case if you have it is two variable x and y, then how you are going to represent this on a graph, that I in last class I discussed. First, I'll just explain to you. Suppose 3x is equal to 5 minus 2y, then x is equal to 5 minus 2y by 3. One equation is there in terms of x and y. You will make the column. Okay, then put the values. If x is 1, what will be y? If x is 2, what will be y? In this way you will get certain values. Once the value is there, you will get the value. Just try to ठीक है, तो जो भी values आएंगे इसमें हम put करेंगे और हमको इससे related graph मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है, आपका सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दैट इज 4.2 एक्सरसाइज, इसको आप करेंगे. और इसमें सॉल्यूशन का मैंने जब बोला, तो सॉल्यूशन का मतलब जिस अगर कोई वैल्यू दी है, जैसे सपोज तुमने ये इक्वेशन दिया है और बोला है कि चेक वेदर 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल आना चाहिए, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और y को हम उसका सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे. और ग्राफ किस तरह से बनता है मैंने आपको बताया, जैसे x plus y is equal to 0 है. सपोज करो एक सिंपल सा ग्राफ, x plus y is equal to 0, so x is equal to minus of y. ठीक, अगर यानी कि x और y, तो x अगर 1 है तो y minus 1, x अगर 2 है तो y minus 2, x अगर 3 है तो y minus 3. तो ग्राफ कैसे बनेगा, x अगर 1 है तो y हमारा क्या है माइनस 1. ठीक, पॉइंट हमारा ये आ गया, 2 है तो माइनस 2, 3 है तो माइनस 3, अगर x 0 है तो 0, अगर x माइनस 1 है तो y 1, तो इस तरह से तो हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरह से. सिमिलरली अगर हमको नेक्स्ट दिया है y इज इक्वल टू 2x, तो अगर x 1 है तो y 2 है, x अगर 3 है तो y 6 है. तो इस तरह से हम ग्राफ जो वैल्यूज है उसको लेके इस पे आप मार्क कीजिए, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 मार्क करके जो भी वैल्यूज है उसके हिसाब से आप वैल्यूज पुट करते जाइए, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए स्ट्रेट लाइन बनाइए, दैट इज द ग्राफ ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन. सिमिलरली इस तरह से आपको एक्सरसाइज 4.2 भी करना है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इम्पोर्टेंट, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है सारा, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको ये बता रही थी. अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब ऐसे हमको लाइन बताना है
जिसमें कि जो लाइन जो हम ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, सपोज करो जैसा हमने सुना था, अब जैसे कि सॉल्व द इक्वेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन हमारा गिवन है 2x + 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, हमको ये ग्राफ दिया है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि तुमको टू वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, -3 - 1 = -4, तो एक्स इज इक्वल टू -4। अब तुमको ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, ये -4 हो गया, ठीक, ये हमने मार्क कर दिया। लेकिन अगर ये नंबर लाइन पे हो गया, अब अगर हमको एक्स और वाई यानी कि तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन पे करना है तो कैसे मार्क करेंगे, तो ये हो गया। अब इसमें जब तुम मार्क करते हो तो जब इस इक्वेशन को तुम किस फॉर्म में लिखोगे, एक्स प्लस 0 × y, जब हम टू वेरिएबल का इक्वेशन लिखते हैं इज इक्वल टू -4, ठीक। अब जब जब भी तुम देखोगे तो ये y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक, y की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती है, फिर वो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी, वो पता लगे। लेकिन अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। तो ये हो गया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। जब हमारे पास इसको यार वो समझने का तरीका है कि अगर x y 0 है, y 0 है, ऑब्वियसली y 0 है हमारा, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस, y 0 है हमारा और x एक्सिस दिया है, तो कोई भी पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे होगा, तो दैट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली अगर यही वैल्यू y इज इक्वल टू -4 होता, यानी कि तुम्हारा y इज इक्वल टू -4, 1, 2, 3, 4, तो -4 पे होता, तो दैट विल बी इक्वल टू योर x एक्सिस। तो जब भी वैल्यूज इस तरह से दी रहती है, यानी कि जो पैरेलल वाली में होगा, अगर जो चीज जैसे कि सपोज इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन दी है, तो दैट लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू y एक्सिस, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैरेलल हो, ठीक। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू गिवन है, तो दैट लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू x एक्सिस। सो इन दिस वे यू विल गेट द पैरेलल लाइन। सपोज करो एक दो और एग्जांपल्स का देखो। सो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि सपोज ये है, ठीक, बोला कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका आप हमको इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन लिखना इज वेरी इजी, जब तुमको देख रहा है ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई की वैल्यू है, तो वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज द ग्राफ, समझे। लेकिन अगर वही मैं लाइन यहाँ खींचती सपोज -2 पे, तो ये लाइन अब किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -2, दिस इज द ग्राफ, है ना। तो इसलिए इसको हम जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमको ये इजी हो जाएगा, लेकिन अगर जब तक नहीं होता प्रैक्टिस में, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 0 × y इज इक्वल टू -2। तो जब x की वैल्यू 1, सॉरी बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 ही रहेगी, 1 ये चेंज होती रहेगी, तो ये इस तरह से पैरेलल हमारे ये सब भी y एक्सिस आ जाएगा। और एक और जो सपोज करो ये ग्राफ है, ये सॉरी ये लाइन सेंटर से हो कैसे जा रही है, तो इसके लिए हम इसको ये किस चीज का ग्राफ कह सकते हैं, ये ग्राफ ऑलवेज इज, अगर एक्स 0 है तो वाई 0, एक्स 1 है तो वाई 1, एक्स 2 है तो वाई 2, एक्स -1 है तो -2, सिमिलरली तो ग्राफ इज दिस। सो इससे रिलेटेड आपको जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे या किसी चीज में, तो कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछता है, सपोज दिस इज द ग्राफ, दिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, दिस इज द ग्राफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस इज द ग्राफ, इसका इक्वेशन क्या है चारों में से,
तो आपको ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं कि इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6, इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, इसका इक्वेशन अगर सपोज सेंटर से जा रही है तो y इज इक्वल टू x. सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यूज आउट ऑफ इट. तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को इजीली बना के हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है. जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट उसको एक इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में लेके आना है और फिर वाई की वैल्यूज पुट करके हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे. एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यूज ओनली यू हैव टू मार्क हियर एंड यू विल गेट द ग्राफ आउट ऑफ इट. ओके, सो इन दिस वे दिस वन इज ओवर. And in your 4.3 exercise, some questions are there to frame the equation. This is also important. Like, तुमको दिया हुआ है और तुमको equation frame करना है कि किस तरह से तुम equation को frame कर सकते हो. Suppose करो, जैसे एक दिया है question है, I'll read out for you. The taxi fare in the city is follows. For the first kilometer, the fare is 8. And for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking distance covered as x kilometer and total fare as y, what write the linear equation for this information and draw the graph. जब हमको इस तरह से क्वेश्चन देता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीड आउट क्वेश्चन करो. क्वेश्चन को क्या बोला है आपका कि एक टैक्सी फेयर जो है सिटी का वो इस तरह से है कि जब फर्स्ट किलोमीटर है उसमें आपका एक किलोमीटर का कितना लगेगा, आपका एक किलोमीटर का रुपीस 8 लगेगा. सिमिलरली जैसे जैसे आप किलोमीटर, फिर एक फर्स्ट किलोमीटर के बाद जैसे जैसे आप किलोमीटर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टैक्सी फेयर फिर रुपीस 5 पर किलोमीटर लगेगा. सपोज करो डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, अगर x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और फेयर जो है टोटल फेयर उसको y होता है. ठीक है, फाइंड करना है हमको कि व्हाट विल बी द लीनियर इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन होगा और उसका हमको ग्राफ बनाना है. सपोज करो हमने बोला फर्स्ट किलोमीटर के लिए टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्स किलोमीटर. ठीक, उसके बाद बोला कि और टोटल फेयर उसका आया है, टोटल फेयर इज वाई. ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन. पहला किलोमीटर का फेयर कितना है, 8. ठीक, 8 रुपीज है. और उसके बाद बोला उसने जो सब्सिक्वेंट है पर किलोमीटर 5 रुपीज. तो अगर पहला किलोमीटर का इतना है तो बचे हुए का कितना होगा, यानी कि x माइनस वाई टोटल डिस्टेंस 5 होगा. 5 इंटू दिस और 8 प्लस दिस इज इक्वल टू योर y टोटल फेयर. तो 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y. तो 5x इधर आएगा माइनस y, इधर जाएगा 5 माइनस 8, यानी कि 5x माइनस y इज इक्वल टू -3. तो हमारा इक्वेशन आ गया दिस वन. समझ में आया आपको ये किस तरह से हुआ. देखिए मैं एक बार और फिर से बता दे रही हूँ आपको, इसको सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट इक्वेशन फ्रेम करना. इसने बोला कि फर्स्ट किलोमीटर जो है उसका है 8, पहले किलोमीटर का 8 रुपीज है और जो उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलते जाएगा पर किलोमीटर का आपको 5 रुपीज लगेगा. तो पहला किलोमीटर 8 हो गया. अब जो बचा हुआ है यानी टोटल डिस्टेंस अगर इतना है तो 1 किलोमीटर हटेगा तो x माइनस 1 और पर किलोमीटर इंटू 5 कर देंगे और 8 प्लस 5 इज इक्वल टू y क्योंकि टोटल फेयर हमारा y है. तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, विल गेट द इक्वेशन. अब ये इक्वेशन मिल गया आपको 5x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3. तो इसको एक इक्वेशन x और y के टर्म में ला के हम ग्राफ इजिली बना लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है. एक और सुन लेते हैं, देख लेते हैं. यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ओके, ऑफ ए स्कूल.
together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Yamini और फातिमा एक क्लास 9 स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों ने मिलकर 100 रुपए लगाए किसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में. ठीक है. राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा. जो ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है हमको जो कि इस डेटा को सेटिस्फाई करे. ठीक है. डेटा को सेटिस्फाई करे एंड देन यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई एंड ड्रॉ द ग्रेव ग्राफ ऑफ द सेम. तो उसने बोला कि आप किस इन दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको एक्स एंड वाई ले सकते हैं. ठीक है. और उनका फिर ग्राफ आप बनाएंगे. ठीक है. अब बोला कि दोनों ने टुगेदर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है. और लीनियर इक्वेशन लिखना है तो दोनों ने टुगेदर हमको कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो जब हम करेंगे तो सिंपल सी बात है. उसने बोला अगर यामिनी या रुपीस का एक्स कंट्रीब्यूशन है फातिमा का वाई कंट्रीब्यूशन है दोनों ने मिला के 100 रुपीस दिया है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100. अब इसका तुमको ग्राफ बनाना है कि अगर अब सपोज वाई हमारा 1 है तो एक्स हमारा 100 होगा. वाई अगर हमारा 0 है तो एक्स कितना होगा. सिमिलर सॉरी 101 सॉरी 99 वाई 1 है एक्स हमारा 99 होगा. तो इस तरह से वैल्यूज पुट करके यू विल गेट द ग्राफ. तो इसको ये भी जो ये जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्वेश्चन को यू विल गेट द नो कि हाउ यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन. फ्रेम क्वेश्चन का एक्स किसको दो वेरिएबल्स ऑलवेज दो वेरिएबल्स होंगे उसको वैल्यूज को रख के यू विल गेट द लीनियर इक्वेशन. तो इससे रिलेटेड आपकी जो भी एक्सरसाइज है उसको फॉलो कीजिए भेजिए और कहीं पे भी डाउट होता है प्लीज़ गिव मी पोस्टेड. टिल देन स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू.